वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एडिटिंग सेल कंटेंट। सेल को एडिट कैसे करते हैं, सेल के कंटेंट को डिलीट कैसे करते हैं और सेल के डेटा को कॉपी या मूव कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिट करने से, एडिट करना बहुत ही सिंपल है। दो सिंपल तरीके से हम एडिट कर सकते हैं। सेल पे हम डायरेक्ट इस तरह से क्लिक किए और जो भी हमको इसमें वैल्यू डालना है वो हम लिख दिए, तो पुराना वाला पूरा वैल्यू हट जाएगा और न्यू वाला पूरा वैल्यू यहाँ पे आ गया। सो ये ओवरराइट कर देता है पुराने वाले वैल्यू को। अभी हम इसको रिस्टोर कर रहे हैं, कंट्रोल जेड दबा के वापस ओरिजिनल वैल्यू ले आए। और अब हम अगर चाहते हैं सिर्फ एडिट करना, मतलब हम पुराने वैल्यू में ही कोई चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको डबल क्लिक करना है सेल पे, दो बार क्लिक करना है। पहले फर्स्ट टाइम पे हम एक बार क्लिक किए थे, इस बार हम दो बार क्लिक किए, तो इस तरह का वहाँ पे कर्सर आ जाएगा। अब हम सिर्फ जो चेंजेस करना है उसको डिलीट करके हम कर सकते हैं। लाइक अभी हमको 3 को 9 करना था तो हम कर दिए और ये चेंज हो गया। तो ये दो तरीके से हम सेल कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। सेल कंटेंट डिलीट भी किया जा सकता है, बहुत इजीली डिलीट हो सकता है। जिस भी सेल पे हम हैं, हम डिलीट का बटन दबाएंगे, उसका कंटेंट डिलीट हो जाएगा, ओके। और अगर हम चाहते हैं कि सेल ग्रुप ऑफ सेल कंटेंट को डिलीट किया जाए, कुछ ग्रुप्स को, तो हम जैसे यहाँ से चाहते हैं इतना डिलीट करना, सो इतना हम सेलेक्ट कर लिए। सिलेक्शन कैसे करना है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो इतना सेलेक्ट कर लिए और फिर बस डिलीट बटन दबाना है, तो ये कंटेंट डिलीट हो गया। सो डिलीट करना बहुत आसान है। उसके बाद हम चाहते हैं सेल को कॉपी करना। अगर हम किसी सेल को कॉपी करना चाहते हैं, सो सबसे पहले हमें वो सेल को क्लिक करना है और उसके बाद CTRL+C दबाना है, तो इस तरह से उसमें बॉर्डर आ जाएगा। हम राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इसका कंटेंट को कॉपी करने के लिए यहाँ पे कॉपी बटन होता है, तो वो भी कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ इसको CTRL यानी Ctrl+C दबाए तो ये कॉपी हो गया। अब हम जहाँ भी क्लिक करेंगे और Ctrl+V दबाएंगे, लाइक हम यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं या यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे Ctrl+V दबाएंगे यानी पेस्ट Ctrl+V। तो देखिए ये वाला चीज़ कंटेंट यहाँ कॉपी हो गया। हम राइट क्लिक करके भी कर सकते थे, फिर से दिखाते हैं। हम इसको रिस्टोर कर दिए और फिर से दिखा रहे हैं, राइट क्लिक किए जिस भी सेल में कॉपी करना है उसमें और फिर यहाँ से पेस्ट ले लिए, तो पेस्ट पे हम क्लिक करेंगे और ये कंटेंट यहाँ पे आ गया। सो इस तरीके से हम सेल को कॉपी कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। हम सेल को कट भी कर सकते हैं, कट मीन्स यहाँ से हटा के दूसरी जगह ला सकते हैं। उसके लिए हमें राइट क्लिक करके यहाँ से कट सेलेक्ट करना पड़ता है, कट, और फिर जिस पॉइंट पे हम इसको पेस्ट करेंगे वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम पेस्ट करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करेंगे वो बॉक्स को सिलेक्ट करके, वो सेल को सिलेक्ट करके, और फिर यहाँ पे पेस्ट का बटन है, हम पेस्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ से हट गया कंटेंट और यहाँ पे आ गया। सो ये कॉपी एंड पेस्ट हो गया। तो ये सिंगल सेल पे था, अब हम जितना सेल सिलेक्ट करेंगे वो उतना पे काम करेगा। ये सिंगल सेल पे हुआ। हम चाहते हैं एक पूरा ग्रुप ऑफ सेल के साथ ये करना, तो हम इतना सारा सेल सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे, ठीक है, ड्रैग करके Ctrl+X दबाए। अभी हम इसको कट कर रहे हैं, कॉपी भी कर सकते हैं Ctrl+C दबा के, और फिर हम बस एक ही सेल पे पेस्ट करने के लिए हमें पूरा सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। जहां से पेस्टिंग स्टार्ट करना है बस उस पर क्लिक करेंगे और Ctrl+V शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। ये देखिए पूरा ये वाला कंटेंट कट होके यहाँ पे आ गया, ओके। सो ये भी तरीका है हमारे पास कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए। इस तरह से हम सेल कंटेंट को कहीं भी मूव कर सकते हैं।